अंजू जो है ना वो मेरा टॉप और दुपट्टा पहन के फिर रही है। मैंने लंच बॉक्स में फ्रूट्स भी रख लिए हैं और अंजुश को ग्रेप्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये मैंने अंजुश के लिए। बीच तो हम जा रहे हैं लेकिन आप कैसे उतरोगे? इट्स रेनिंग। इतना कोई महनूस दिन है आज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग और मौसम जो है ना कुछ ऐसा है। अभी मैं सोच रही थी कि मैं बाहर कपड़े डाल दूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं डालने चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। खैर एनीवेज, आज हम लोगों का प्लान है कहीं जाने का और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको भी बता देती हूँ कि हम लोग आ जाएंगे ट्रमोर बीच पे और ये जो है ना काउंटी वाटरफोर्ट में है और आई थिंक वाटरफोर्ड में है। बाकी जो है जब मैं गाड़ी में बैठूंगी तो मैं देखूंगी गूगल करके क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उसकी डिटेल्स फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। एनीवेज अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता और पहले वाले क्लिप्स आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। बच्चे मेरे अभी तक सो रहे हैं और क्योंकि हम लोगों ने जाना है तो मैंने कहा कि मैं जब तक ये लोग सोए मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ और फिर मैं इनको नाश्ता करवा के तैयार कर दूँगी। सो यस, जिस दिन भी हम लोग कहीं जा रहे होते हैं ना तो मुझे याद आ जाता है कि यार मेरे पास एक स्मार्ट वॉच भी है जिसको मैंने चार्ज करना है और बंद पड़ी हुई है। तो ये पता नहीं कितने दिनों से बंद पड़ी हुई है और अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगा रही हूँ और मैं इसको ऊपर रूम में भी चार्जिंग पे नहीं लगा सकती क्योंकि अंजश जो है ना वो सारी चीज़ें खींच खींच उतार लेती है। सो इसको जो है ना अभी हम किचन में ही चार्जिंग पे लगाएंगे। आई होप कि ये ऑन हो जाएगी जल्दी जल्दी। अगेन द सेम प्रॉब्लम, कितना बड़ा पराठा तवे पर पूरा ही नहीं आ रहा। जब भी हम लोगों ने कहीं जाना होता है ना तो आई मेक श्योर कि मैं घर सारा साफ़ करके जाऊँगा। अभी मैंने फटाफट बैठते के बाद किचन साफ़ किया, उसके बाद मैंने सारा वैक्यूम क्लीनर चलाया, फ्लोर मॉप किया और सारी चीज़ें उठाई हैं और अब मैं बच्चों को जो है वो तैयार करूँगी। ऑलरेडी जो है ना हम लोग बहुत लेट हो गए और अब आके जो है वो मुझे डांटेंगे, कहते होते हैं कि तुम लोग निकलते ही नहीं हो घर से। जिस दिन हम लोगों ने कहीं जाना होता है उस दिन तो जल्दी चले जाया करो। सो अभी जो है हम फटाफट बच्चों को तैयार करते हैं। अंजिश जो है ना वो मेरा टॉप और दुपट्टा पहन के फिर रही है और इसने अपनी शर्ट और पैंट नहीं पहननी, इसने मेरा ड्रेस पहनना है। और ये मेरा टॉप जो है ना ये मैं पाकिस्तान से लाई थी जीन से, सो मैं जो है ये पहनूंगी अगर अंजुश ने मुझे पहनने दे दिया तो। बच्चे जो है ना दोनों तैयार हो गए हैं और अब मैं जो है इनके डायपर्स और वाइप्स वगैरह मैंने इसमें रख लिए और इसी में मैं इनके स्नैक्स वगैरह भी डाल दूंगी क्योंकि ये बैग थोड़ा सा बड़ा है तो इट्स ईजी टू कैरी। कहाँ जा रहे हो? हर वक्त बंदा शॉपिंग पे नहीं जाता। यू वॉन्ट टू गो टू शॉपिंग? ओके ओके। बच्चों के लिए जो है ना वो मैंने लंच बॉक्स में फ्रूट्स भी रख लिए हैं और अंजुश को ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये मैंने अंजुश के लिए जो है ना इसमें ग्रेप्स रखे हैं। और बाकी मैंने एक ऑरेंज पील ऑफ करके डाल लिया है इसमें और बाकी बनाना वॉश करके और ये मैंने इसे रख लिया। और यहाँ पे आपको ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतना कुछ अच्छा मिलता नहीं है बाहर से, तो अगर आपके पास कुछ हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और बच्चों को इंगेज रखने के लिए भी आपके पास कुछ ना स्नैक्स या कुछ होने चाहिए, तो आज मैंने इनके साथ फ्रूट्स भी रख लिए हैं। ना बनाओ। अंजुश जो है ना वो घर से निकलते साथ ही सो गई है और हम लोग घर से निकले थे 3:25 पे और मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश हो रही है काफ़ी तेज। लेट्स सी कि वहाँ पे जाके क्या होता है और पता नहीं हम उतर भी सकेंगे कि नहीं। Thank you.
हाँ ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है, सारा काम खराब हो गया हम लोग का। हाथ लगा के बात खराब हो चुका है। कोई बात नहीं, कैसे खेलेंगे, बारिश हो रही है। आप तो अपना बॉल शॉल लेके आई हुई, तो बहुत तेज बारिश हो रही है। गाड़ी में खेल लेगी, कोई बात नहीं। अब हम क्या करें, बहुत तेज बारिश जा रहे हैं। बीच तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कैसे उतरोगे, इट्स रेनिंग। आपने आपने बबल लगाए हुए नोजी पे, उतारो। व्हाट इज दिस, उतारो। व्हाट इज दिस, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, ये लोग मुड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, लेकिन बारिश में तो हम नहीं उतर सकते बीच में। गाड़ी में बैठ के देख के वापस आ जाएगी ना, कैसा आइडिया? नहीं, वहीं से आप बॉल मेरी तरफ फेंकना, मैं कैच करूंगा, आपकी तरफ फेंकूंगा, आप मिस कर देना, मैं कहूंगा विनर, फिर हम वापस आ जाएंगे। नहीं। अच्छा चलो लेट्स सी, मुझे लगता है क्या पता बारिश रुक ही जाए, आप दुआ करो। अल्लाह ताला, मैंने आप बारिश की है। आप दुआ करो, अल्लाह पाक आपकी सुन लेंगे, बच्चों की दुआ कबूल होती है। दुआ कर दो प्लीज। मैं दो दो मैं 5 अदरक पढ़ के दुआ करूंगी, फिर बारिश एकदम से रुक जाए। यस दुआ करो। नेहा जो है ना कलमा शलमा पढ़ के, सारी दुआएं पढ़ के दुआ कर रही है कि बारिश रुक जाए। हल्की हो गई है मनीहा, आपने दुआ की है तो है ना। ओके ओके कीप प्रेइंग। बहुत रश लगा हुआ है। हम जो है ना अभी पहुंच गए हैं ड्रामोर, और इतना ज्यादा रश है यार यहाँ पे, तो इतने दूर हम जाएंगे कैसे? नहीं यार बारिश में कुछ पता है, फिर एकदम वापस आना पड़ेगा गाड़ी में, तो मतलब बहुत रश है। मनीहा राइड्स चल रही है यार, हम यस हम बैठेंगे, ठीक है मैं और आप बैठेंगे, अंजुश को नहीं बिठाएंगे। क्यों? अंजी बहुत डरती है ना? मुझे डर डाल लगता है, मैं तो होड़ी वाले झूले पे बैठूं। ना खड़ी करती। कर दो। झूले भी चल रहे हैं। ना बहुत सारी राइड्स चल रही हैं। है ना? ऐसी खड़ी की हुई है, इसको नहीं जाएगी यार। और ठंडी जगह। मुझे डर लग रहा है। नहीं यार जब हम लोग पहले गए थे डन मोरीस, वहाँ पे तो बिल्कुल रश नहीं था, और अभी जब बारिश हुई होगी तो ये सारे कहाँ गए होंगे। वाओ मनीहा, कैन यू चेक द राइड्स? यस आप एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। मैं भी। वाओ कितने अच्छे हैं झूले, बहुत मजा आने वाला है, हम भी बैठेंगे, ठीक है। मनीहा वो देखो एक वाटर राइड भी कोई बनी हुई है, जंगल रिवर, कैन यू सी दैट? लेकिन इसमें मैं आपको नहीं बैठने दूंगी, कपड़े गीले हो जाएंगे ना आपके, हम और कपड़े नहीं लेके आए, मुझे पता ही नहीं था। लेट्स सी। ओह माय गॉड, अंजलि सो सो के अभी उठी है। चलो मनीहा
जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे इतनी तेज बारिश शुरू हो गई और हम लोग फिर गाड़ी में आके बैठ गए और मनीहा ने अब ड्रामे लगाए हुए किसने नीचे उतरना है। मनीहा बारिश रुकती है तो हम जा रहे हैं यार। जब तक बारिश रुकती है आप लोग चिप्स डाउन कर लो। ओके बारिश की सूरत हाल देख के मुझे लग रहा है कि हम गाड़ी में बैठ के खाना पीना करके वापस चले जाएंगे। तो खाना खाने खाओगी उसके बाद वापस। उसके बाद दुआ करोगी? अभी कर दो ना प्लीज। नहीं अभी पहले खाना पीना उसके बाद दुआ। ओके ओके सारा आप ही ना खा लेना, अंदर के लिए भी छोड़ देना कुछ। सो वी आर एट द ट्रेमोर बीच और इतनी तेज कोई बारिश हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती और हम लोग गाड़ी से ही नहीं उतर सक रहे। खैर एनीवेज दिस इज द व्यू। और आके गाड़ी में बैठे हुए हैं और इतनी कोई तेज ये वेव्स हैं, आई थिंक वो वेव्स ही बोलते हैं, सी वेव्स राइट। और इतना ज़्यादा इनका शोर है और देख के लिटरली बंदे को डर लगता है। खैर अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग दोबारा आएंगे क्योंकि हम लोग बीच में तो जा ही नहीं सके और ना जो है ना बच्चे राइड्स पे बैठ सके हैं। सो दिस इज द सीन। बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे और उसके बावजूद इतना ज़्यादा रश है। बारिश है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और अब मैं दोबारा से जा रही हूँ गाड़ी में। दो घंटे हमने इंतज़ार किया, कोई दो घंटे इंतज़ार करने के बाद अब आई थिंक हम लोग वापस ही चले जाते हैं क्योंकि बारिश के रुकने के कोई चांसेस नहीं है और 95% प्रेडिक्शन है बारिश की आज यहाँ पर। बारिश ना यहाँ पे बड़ा ही काम खराब कर देती है। और हल्की भी नहीं सही तेज। चर्च है? हाँ दिस इज अ चर्च। अब हम वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। 56 का बना हुआ। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। पाकिस्तानी यूके में नहीं खरीदे थे, मुझसे बना चुके थे। ओह माय गॉड। गोरों का कब्रिस्तान आ गया। विलियम स्मिथ, जॉन जेम्स बॉन्ड, एवरीवन हियर। यहाँ पे समुंदर के किनारे इन लोगों के पास टेस्को भी है। दिस इज द टेस्को। यार यहाँ पे तो अच्छा प्रॉपर यहाँ पे लोग रहते हैं ना। दिस इज द कोस्टर। इतना कोई महनूस दिन है आज। हम लोग आए यहाँ से कॉफी लेने और इसके टाइमिंग्स भी 6 o'clock तक थी और बिल्कुल अभी एग्जैक्ट 6 o'clock हुए और ये भी बंद हो गया और हमें यहाँ से कॉफी भी नहीं मिली। अब चले, अब वापस ही चले जाते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल मजीद इंतजार करने के मूड में नहीं हूँ। अंजश जो है थक हार के जूते शूते उतार के घर वाले पहन के और पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही है अब। और आईपैड जो है ना ये तो लाजमी होना चाहिए बच्चों को बहलाने के लिए। और मनीहा जो है इसमें बिजी हो गई है और हम बोर हो रहे हैं। पॉपकॉर्न से खा लेते हैं अब। ये लो यार आप तो खाओ।
बहुत ही बैड सीन हुआ यार आज हमारे साथ, हम तो बहुत ही अपसेट हैं। खैर हम लोग आएंगे दोबारा, क्योंकि ये ना जो पार्क था ये विंटर्स में नहीं होता, कौन से मंथ तक होता है, सितंबर के बाद ना ये बंद हो जाता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर से राइड्स भी काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे तो वैसे ही राइड्स बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर प्लान करेंगे वेदर फॉरकास्ट देख के। कॉफी शॉप मिल जाएगी, वो फ्रेप स्ट्रेप नहीं मिलेंगे, कॉफी शॉप कुछ ना कुछ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फ्यूल वगैरह सब कुछ खुद ही डालना पड़ता है और आई थिंक फिर अंदर जाके ना आप पेमेंट करके आते हैं। रात के 8 बजे तक हम लोगों ने पार्किंग का पे किया था और हम लोग 8 बजे से पहले ही घर वापस आ गए और यहाँ पे बारिश नहीं है अभी। खैर एनीवेज दिस इज हाउ इट वाज रिटन। वापस आके मैंने बच्चों को फ्राइज वगैरह बना के दिए और हम लोगों ने सोचा कि आज बर्गर ही बना के खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और ऐसा कुछ हो जाए तो मूड भी बंदे का ऑफ ही हो जाता है। और अभी यहाँ पे रात के 10:30 बज रहे हैं, अंधेरा नहीं हुआ। सो यस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम आर डे। सी यू गाइस टुमारो विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।